इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में मिली 28 रनों की हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजों को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं इंग्लैंड के इस बल्लेबाज की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं की। जीत के लिए 231 रन के लक्ष्य के सामने पूरी की पूरी टीम इंडिया 202 रनों पर ढेर हो गई और 28 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद रोहित शर्मा ने इंटरव्यू के दौरान किन खिलाड़ियों पर इस हार का ठीकरा फोड़ा, उनके बयान का पूरा वीडियो मैं आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि शुभमन गिल की जगह टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनती तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में मिली हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट 4 दिन खेला गया, ऐसे में हम कहां गलत थे वह कहना काफी मुश्किल है। पहली पारी में 190 रन की लीड लेने के बाद हमको लगा था कि हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि ओली पॉप ने कमाल की पारी खेली, भारतीय सरजमी पर किसी विदेशी बैटर द्वारा खेली गई मेरे हिसाब से यह बेस्ट पारी है। मुझे लगा था कि 230 रन के लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे। पिच में ऐसा कुछ खास नहीं था, हमने स्कोर तक पहुंचने के लिए अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, गेंदबाजों ने प्लान के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपको शानदार पारी के लिए पॉप को सलाम करना ही होगा। वह यकीनन एक लाजवाब पारी रही। ओवरऑल अगर देखें तो बतौर टीम हम इस मैच में फेल रहे, हम रनों का पीछा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके। मैं चाहता था कि सिराज और बुमराह टेस्ट को 5वें दिन तक लेकर जाएं, 20 या 30 रन में कुछ भी संभव है। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और उन्होंने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिखाया कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपको कैरेक्टर दिखाना होता है, आपको बहादुरी दिखानी होती है, जो मेरे हिसाब से हम इस टेस्ट मैच में नहीं दिखा सके। रोहित शर्मा के इस बयान पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।